हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास की, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड द ग्रोथ। तो विश्व जनसंख्या, उसका वितरण, उसकी जो यहाँ पर आइए, ठीक है, हाँ, विश्व जनसंख्या, उसका वितरण, उसकी घनत्व और उसका ग्रोथ, है ना। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और बात करेंगे आज पॉपुलेशन किसकी, विश्व की जनसंख्या के बारे में। कल हमने बात की थी, तो यहां पर हम इंडिया नहीं विश्व पढ़ेंगे, क्योंकि हम मानव भूगोल का पार्ट वन पढ़ रहे हैं जो कि पूरा रिलेटेड है वर्ल्ड लेवल से, है ना। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि मानव भूगोल का, मानव भूगोल का हमने यहां पर उसकी प्रकृति देखी कि कैसे वो आदिम है ना, कैसे प्रिमिटिव यानी आदिम से न्यू अभी तक, मॉडर्न तक, है ना, या आधुनिक युग तक वो चला। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे थे आदिम युग में, तो पहले मानव जो जीता था वो निश्चय, है ना, निश्चयवाद का पोषक था। उसके बाद मानव संभववाद का, है ना, संभववाद का पोषक बना। फिर ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि ना तो मनुष्य निश्चयवाद के सहारे जीना चाहिए, ना तो संभववाद के सहारे, क्योंकि जो नेचर है, ये मानव भूगोल है, मानव भूगोल मानव और पर्यावरण, है ना, और पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों के आधार पर, है ना, जो उसके संबंध हैं उसके आधार पर वो वर्क करता है। मानव पर्यावरण में प्रौद्योगिकी की सहायता से उसमें बदलाव करता है। तो वही निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, याद रखना, ये एग्जाम में तुम्हारे 101% इसमें से आएगा। नव निश्चयवाद, कुछ करते हैं, देखो पेन का इसमें थोड़ा सही नहीं आ रहा, बहुत वो चल रहा है ना, नव निश्चयवाद। तो इनके बारे में डिस्कस किया यहाँ पर। इसी के साथ हमने अपने चैप्टर में इसकी जो ब्रांचेस हैं, हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, कल्चरल, ठीक है, यहाँ पर व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास और आर्थिक भूगोल के बारे में देखा कि कैसे, और इसके उपागम कुछ थे, अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक संश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं, इनको हमने समझा। समझने के बाद अब हम आज जनसंख्या पे बढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर है, ये इकाई यूनिट फर्स्ट का एक चैप्टर था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देख लीजिए इसको सही से, ठीक है। अब यूनिट टू में हम देखेंगे, पहला है इसमें जनसंख्या, घनत्व और वृद्धि, इसी के बाद मानव विकास, ठीक है, तीसरा चैप्टर। तो इसमें दो चैप्टर हैं सेकंड यूनिट में, चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में, है ना, वृद्धि के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर इकोलॉजी के आधार पर कि पॉपुलेशन होती क्या है, जनसंख्या क्या है। जनसंख्या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित जीवों का समूह है, कुछ स्पेसीज का, हु हैबिटेट द सेम पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी एक
एरिया में, ठीक है, एक भौगोलिक एरिया में रहते हैं, और उनका जो हैबिटाट है, जो उनका रहन सहन है, जो उनके क्रियाकलाप है, वो एक जैसे हैं, है ना। उन्हें हम जनसंख्या के रूप में, पॉपुलेशन के रूप में इंगीकृत करते हैं। अ कैपेबल एंड इंटरब्रीडिंग, और वो कैपेबल हैं किसके लिए? इंटरब्रीडिंग के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हमने आपको समझाया जनसंख्या, लेकिन हम यहाँ पर जनसंख्या किसकी बात करेंगे? जनसंख्या, तो जनसंख्या यहाँ पर एक एक पर्टिकुलर एरिया में एनिमल भी तो रहते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर स्पेसीज के आधार पर, उस स्पेसीज के आधार पर, लेकिन हम यहाँ पर मानव की जनसंख्या की बात करेंगे, है ना, मानव की जनसंख्या की बात करेंगे, किस पर? विश्व लेवल पर। आप मैप पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या है, ये वर्ल्ड का मैप है ना। जैसे ये हमारा दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनकी बात करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी, एक एक टाइप के लोग होंगे, एक क्षेत्र के। जैसे आप देखते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव के लोग भिन्न होते हैं, एक क्षेत्र से, जैसे एक जिले से दूसरे जिले में जाते हो तो वहां के लोग, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका रहन सहन स्तर थोड़ा डिफरेंट होता है ना। अब एक याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, भूलिएगा नहीं, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, किसी देश के निवासी ही उसकी वास्तविक धन है। चलिए, इससे पहले हम बात कर लेते हैं, एक हमारे विद्वान हुआ करते थे जो रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, ठीक है, कौन? रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन जो थे, ये इन्होंने कहा था, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से ही कोई राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, ठीक है। हमने देखा पहले उसमें जनसंख्या, पॉपुलेशन, खेती के बारे में बात हुई, तो कोई अगर राष्ट्र है, राष्ट्र क्या है? एक कार्ल हॉसहोफर, जर्मन भूगोलवेत्ता, ने क्या बताया था, एक जीवित, है ना, जीवित एंटिटी है, यानी इकाई है, बताया था कि नहीं, है ना, क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी का संबंध किसने, चर्चिल सैंपल ने बताया था ना। तो इन्होंने कहा है, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और जीवों से एक राष्ट्र मजबूत बनता है, और सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अनिद्रा गम्य होते हैं, जब कुछ लोग सत्य और सम्मान की खातिर डटे रहते हैं, तो तुमको भी यही करना है, क्योंकि तुम्हारा 12th है, ये नंबर खुद ही मायने रखते हैं, है ना, खातिर डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, यानी पढ़ाई करते रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं, और जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जब अन्य सोते हैं और कुछ लोग परिश्रम करते रहते हैं, और जो साहस दिखाते हैं, वह अन्य जब भाग खड़े होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश से आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं, तो ये एक है। तो इसमें कौन प्राणी है? वो मानव है, वो तुम हो, किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक क्या होते हैं, धन होते हैं, यही लोग वास्तविक संसाधन होते हैं, इसीलिए अभी आगे पढ़ेंगे मानव संसाधन के रूप में, है ना, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, मानव संसाधन के रूप में, यही लोग संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं, अतः एक देश की पहचान उनके लोगों से होती है, ठीक है। यह जानना आवश्यक है किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है, और कैसे, क्या वे नगर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं, क्या
क्या काम करते हैं, यही तथ्य इनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। क्योंकि देखो, किसी भी राष्ट्र को चलने के लिए, किसी भी चलाने के लिए, वहां की प्लानिंग के लिए जरूरी है स्त्री और पुरुषों का, पुरुष कितने हैं, यानी जनसंख्या वहां कितनी है। बिना आपको पता भी आपके घर में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, आपसे कहा जाए खाना बना लो, तो अब ये कहां से खाना बनाओगे। जब आपको पता होगा कि हमारे घर में 6 लोग हैं तो उनका ही खाना बनाओगे ना, तो 6 लोगों का। या आपको पता ही नहीं कितने लोग हैं तो कितना खाना बना लोगे, 1 रोटी बनाओगे, 10 रोटी बनाओगे, 20 रोटी बनाओगे, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी देश को सुचारू रूप से चलने के लिए, चलाने के लिए वहां की जनसंख्या की जानकारी होना जरूरी है, और वहां कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है, मतलब बीमारियां हैं या नहीं है, कैसे लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ गंवार हैं, वो समझेंगे कुछ या नहीं समझेंगे, क्या वे काम कर सकते हैं या नहीं, इन तथ्यों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि अब इस समय हम, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, ठीक है। इसीलिए मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में, क्योंकि इस जानना जरूरी है कि जनसंख्या पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उसके जनसंख्या के जाने आप कोई भी प्लान नहीं कर सकते हो। सरकार जनसंख्या जाने बिना कहीं पर पुल सड़क कुछ नहीं बनाती है, ना तो राशन देती है। आपने देखा होगा राशन कार्ड पे लिखे होते हैं कितने यूनिट, 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, है ना, क्योंकि आपके अंदर 4 लोग हैं तो उस हिसाब से आपको राशन देती है, ठीक है। क्योंकि अगर पता नहीं होगा तो कितना आपको राशन दे देगी, कितना ले आओगे आप, है ना। तो ये सब जरूरी है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हम 21वीं सदी के प्रारंभ में अगर हम विश्व की बात करें तो हम 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है जनसंख्या, ठीक। और जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहते हैं, कोई निश्चित प्रदेश में ही क्यों रहते हैं, क्यों भाई सब यूपी में ही रहना पसंद करते हैं, क्यों नहीं भाग जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी एरिया में, क्यों नहीं भाग जाते हैं उत्तराखंड में, क्यों नहीं चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्यों नहीं चले जाते हैं लद्दाख में, है ना, क्यों नहीं जाते हैं अन्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 600 करोड़ दर्ज की गई है, इसके बारे में हम आपको जरा सा कुछ बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, जिससे आप थोड़ा अवेयर हो पाओ। ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, करंट पॉपुलेशन स्टडी, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये स्पीडो जो पॉपुलेशन मीटर है, वर्ल्ड मीटर है, ठीक है, वर्ल्ड मीटर है जो पॉपुलेशन को मेजर करता है, ठीक। इसमें ये मोस्टली जो है आपको यहाँ पर देखो, ये बर्थ रेट दिखा रहा है, वो बर्थ डे आज कितनी बराबर बर्थ हो रही है ना, जितनी ऐड हो रहा है, ये करंट है कितनी पॉपुलेशन अभी चल रही है, और बर्थ इस साल में कितनी हुई है, जन्म कितने लोग जन्म लिए हैं, कितनी आज जन्म लिए हैं, देखो, ठीक है। आज अभी तक का 2.5 सैकड़ा हजार, 10 लाख, 3,04,000 लोग जन्म ले चुके हैं, बराबर चल ही रहा है, आप देख रहे हो 60, 62, 63, 64, 65, और कितने आज लोग आज मृत्यु हुई है, 1,37,915 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक इस साल की इधर दी हुई है, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, 1,66,000 लोग बढ़ चुके हैं, इसको प्लस माइनस करके बर्थ में से डेथ को घटा के यहाँ पर 3 लाख लोग जन्म ले चुके हैं, घटा के जितने लोग बचे हैं उनको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि कितने लोग बढ़े। ये पूरी करंट पॉपुलेशन आपकी है, किसकी, विश्व की, जिसमें आपको 8 मिलियन लोग, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 आपको यहाँ पर है। तो हमने वो 2011 के आधार, मतलब उसके आधार पर आपको बताया, अभी तक 8 मिलियन लोग हो चुके हैं, कितने, 8 मिलियन लोग, याद रखिएगा पूरे विश्व में, ठीक है। तो 8 मिलियन लोग हो चुके हैं, हमने अभी तक अभी बात की थी, वो है 10 साल पुराना डेटा, ठीक है, लेकिन करंट में अगर हम बात करें तो 8 मिलियन हम हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक, कि कैसे हम यहाँ पर चीजें देखते हैं, है ना।
तो हम फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे कि जनसंख्या का जो वितरण है, आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर लोग जो हैं, असमान वितरण है ना। वितरण कैसा है जनसंख्या का, विश्व में असमान है। जैसे अभी आप यहाँ भारत में हैं, या तो आपको काफी भीड़ भाड़ एरिया चीन में, या हम यूं कहें दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्यादा लोग मिलते हैं, है ना। और इसके कंपेयर में अगर हम बात करें अफ्रीका में, अफ्रीका और द सॉरी उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका, इन जगहों पे लोग कम क्यों हैं, है ना। तो कम होने का कारण है वहां का प्रादेशिक जो है विभाजन, वहां की जलवायु, इसको हम आगे देखेंगे पढ़ेंगे, है ना। वहां का ड्रेनेज सिस्टम यानी जल की उपलब्धता, एशिया की जनसंख्या के संबंध में एक महोदय थे जॉर्ज बी क्रेशी ने टिप्पणी की है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे एशिया दो भागों में डिवाइड, एक तो हम पश्चिमी एशिया की बात करते हैं, फिर हम पूर्वी एशिया की बात करते हैं, और फिर हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर लेते हैं, ठीक। इन तीनों से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहरहाल ठीक ठाक है, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है और बहुत कम, यानी दो ही क्षेत्र तीन आते हैं इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत और चीन आता है, भारत और चीन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितनी जनसंख्या है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। और कम जनसंख्या और पश्चिमी जो एशिया है, पश्चिमी एशिया में जिसमें अरब, यूएई, है ना, यमन, ईरान, इराक, बगदाद, लेबनान, सीरिया, ये सब आते, इनमें जनसंख्या कम रहती है, क्षेत्र बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ रेगिस्तानी एरिया है ना। इस तरह से विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है कि कुछ स्थानों पर ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, कम स्थानों पर, ठीक है। जैसे राजस्थान बहुत बड़ा है एरिया में, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है भारत में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ रहन-सहन की स्थिति, यहाँ की मिट्टी जलवायु सब बेहतर है इसलिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं विश्व जन में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। तो विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूप में हम जनांकी विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, सबसे पहले शब्द जनसंख्या वितरण आया ना। ऐसे समझ लो वितरण कि आप जहां पर रह रहे हो ना, जैसे आप के हम गांव की बात करें, ये सपोज दैट आपका कोई गांव है, ठीक है, हम कहें इसमें जनसंख्या वितरण कहाँ पे। तो जनसंख्या एक को ये आपका तालाब है आपके गांव का, ये गांव का कोई तालाब है। अब आपके गांव में पानी का सोर्स तो है नहीं, और आपके गांव में कोई ये नहर निकली, ठीक, और खेत भी है। तो लोग क्या करेंगे, इस के चारों तरफ, ठीक है, रहना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि पानी का उपलब्धता यहीं पर है ना। चलो आजकल, और दूसरी बात अगर फिर हम माने तो ज्यादातर लोग आपके इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, मिडिल पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको दोनों तरफ से सोर्स ऑफ द मिलेंगे, है ना। तो ये घनी बस्ती है, हो गई, क्योंकि यहाँ नहर का पानी मिल रहा है, यहाँ तालाब का पानी, है ना। और इस क्षेत्र में आपको लोग कम मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लो पथरीली भूमि है, पत्थर वाली भूमि, या यहाँ पर कौन बलुई मिट्टी पाई जाती है, या यहाँ पर जंगल है ना, और यहाँ पर कोई शहर पास नहीं है, कोई दुकानें भी नहीं है। तो लोग
यहाँ पर वितरण, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से। तो ये असमान वितरण को दिखा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर कंसंट्रेट है, आपके नदी के साइड में, आपकी नहर की साइड में, है ना। ये आपको नहर और तालाब के चारों तरफ है, इधर आपको नहीं है। तो आप इस तरह से जनसंख्या वितरण को हम यहाँ पर किसी भी क्षेत्र, इसी तरह भारत में भी है ना। तो भू पृष्ठ पर अगर हम बात करें जनसंख्या वितरण की, तो इसका अर्थ है भू पृष्ठ पर यानी पृथ्वी पर जो लोग किस प्रकार वितरित हैं, कैसे वितरित हैं, हमने आपको बताया। इस बात से लगाया जाता है मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। विश्व की जो जनसंख्या है, चलिए इसे समझिए आप, यहाँ ये देखिए विश्व की जनसंख्या जो है, आप यहाँ पर रेड रेड डार देख रहे हो, ये वाला यहाँ पर है, या तो यहाँ पर पाई जाएगी और या थोड़ा बहुत ये यहाँ पर पाई जाएगी, देखो आप ये, बाकी ये वाला एरिया आपको देख रहे हो सब पूरा ऐसे ओपन है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो 10%, 10% जो भूमि है, भूमि पर 90% जनसंख्या पाई जाती है, और 90% भूमि पर, ठीक है, भूमि पर 10% जनसंख्या पाई जाती है, इस तरह से आप समझ सकते हो, है ना। चलिए ये यहाँ पर जनसंख्या के वितरण के बारे में देखा हमने, और आई होप आप समझ भी गए होंगे। विश्व 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की जनसंख्या 60% निवास करती है, और 10 देशों में से 6 देश, अब विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कितने देशों में है, 10 देशों में, है ना, 10 देशों में। अब 10 देशों की जो जनसंख्या है, 10 देशों में से 6 देश कहाँ से आते हैं, एशिया से, मतलब जहां हम रहते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमने दक्षिण पूर्व एशिया की बात की हुई थी, क्योंकि दक्षिण, आइए समझिए, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया की बात की थी हमने, ये 6 देश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से मान लो, दिख रहे हैं आपको ये एशिया, ठीक, और बाकी पूरा रेस्ट वर्ल्ड है यार, ठीक। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ से पाई जाती है, यहाँ से, 10 देशों में 6 जो है देश को पहचानिए, चलिए पहचानते हैं। चीन कहाँ से है, एशिया से। भारत कहाँ से है, एशिया से। इंडोनेशिया कहाँ से है, एशिया से। पाकिस्तान कहाँ से है, एशिया से। बांग्लादेश कहाँ से, एशिया से। जापान कहाँ से, एशिया से, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 देश हो गए जो कि एशिया के हैं। बाकी तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखो कहाँ पाई जाती है, चीन में, फिर भारत में, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेटा आया नहीं है, अदरवाइज भारत यहाँ पर आ जाएगा चीन की जगह पे, चीन भारत की जगह, क्योंकि अभी 2021 का जो है डेटा आया नहीं, तो हम अभी इसको लिख नहीं सकते, है ना, इसलिए। फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है। फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, ब्राजील कहाँ से है, दक्षिण अमेरिका से। पाकिस्तान CIS अफ्रीका से है ना। बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया, है ना, नाइजीरिया, चाड, ये भी अफ्रीका से। तो जो यहाँ पर 2 अफ्रीका से देश है, 1 दक्षिणी अमेरिका से है, 1 उत्तरी अमेरिका से है, और 6 एशिया से, एशिया महाद्वीप से।
आप जनसंख्या का वितरण समझ सकते हो कि कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ब्राजील, ये आपका ब्राजील है ना, ये आपका ब्राजील है जो दिखाया गया है, ये आपका क्या है, यहाँ पर अमेरिका है, ठीक है, जो कि हमने अभी बात की है ना। अमेरिका के बाद हमने और बात की भारत, ये चीन है, ये भारत है, ठीक है, भारत की बात की, ये पाकिस्तान है, इसकी बात की हमने, और इंडोनेशिया की, बांग्लादेश की बात की, ये बांग्लादेश है यहाँ पर बीच में छोटा सा, ठीक है, हमने इंडोनेशिया की बात की है ना, और इसमें देखिए हमने इंडोनेशिया की बात की और जापान की बात की, तो ये आपका जापान हो गया। लोकेशन याद रखिए क्योंकि मैप बनाना आएगा, जापान हो गया। फिर हमने CIS और यहाँ पर नाइजीरिया देखा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नाइजीरिया है और ये CSIR सेंट्रल वो है, और ये नाइजीरिया सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और एक दो यहाँ पर है आपके सोमालिया, चाड है, ठीक है, तो ये नाइजीरिया जी है आपके, हो गए ये हो गया है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट, उसमें अब हम आपको आई होप वितरण समझ में आ गया होगा कि कैसे वितरण को दिखाना है, क्या चीज वितरण होती है, यानी जनसंख्या का वितरण, कैसे लोग रहते हैं। आप अपने गांव में देखिएगा कि कुछ लोग ज्यादा एक पास घने रहते हैं, घनी बस्तियां होंगी, और एक साइड में गांव के आपके मतलब क्लस्टर्ड इधर उधर छितरी हुई होंगी है ना, पिरल होंगी। ओके, नाउ जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं, चलिए जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि हम कल स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना भी तक का, अगर समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।